कि अटल पथ पर दो गाड़ियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई है, तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। रॉन्ग साइड में आने के कारण दोनों गाड़ी आपस में भिड़ गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, घायल को अस्पताल भेजा गया है। पटना के अटल पथ की घटना सामने आई है। तो अटल पथ पर एक बार फिर से बड़ा हादसा सामने आया है, जहां रॉन्ग साइड की गाड़ियों में भिड़ंत हुई है, तीन लोगों के घायल होने की सूचना है। रॉन्ग साइड में आने के कारण दोनों गाड़ी आपस में भिड़ गई। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, घायल को अस्पताल भेजा गया है। पटना के अटल पथ की यह घटना सामने आई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इन दोनों की भिड़ंत हुई है, जिसमें तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, एक बार फिर से अटल पथ पर हादसा, क्या कुछ अपडेट? राहुल, अटल पथ की स्थिति इतनी खराब है, वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लोग 120, 125, 130 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। आप समझिए कि अटल पथ पर रॉन्ग साइड में जाने का क्या मतलब है। रॉन्ग साइड में ये काली वाली बिलों में जा रही थी, उधर से वो जो गाड़ी थी वो अपनी स्पीड में फुल स्पीड में थी, और ये जो रॉन्ग साइड में गाड़ी आ रही थी ये भी फुल स्पीड में थी। और आप समझिए गाड़ियों के परकच्छे देखे कैसे उड़े में, कि इन दोनों आमने सामने टकरा रहा है, और तीन लोग फिलहाल स्थानीय लोग दौड़े, सभी को निकाला गया गाड़ी से, तीन लोग घायल है, फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, तीनों को अस्पताल भेजा गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि चार दिन ट्रैफिक पुलिस रहती है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस नजारा हो जाती है। अटल पथ पर लगातार कई युवकों की जान चली गई, कई लोगों की जान गई, लेकिन अभी तक ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को ये समझ नहीं है कि वहां व्यवस्था क्या की जाए। हालात फिर वही बन रहे हैं, लगातार अटल पथ पर रॉन्ग साइड में गाड़ियां 130 के स्पीड में चलती हैं। राहुल, हालात वही है, तो सुबह भी बहुत एक्सीडेंट होना है। फिलहाल पुलिस वहां पहुंच गई है, दोनों गाड़ी को फिलहाल वहां से ट्रैफिक पुलिस जब्त करके ले जा रही है। अब दोनों तरफ से मामला दर्ज होगा, तो फिर पूरे मामले की जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी पे खंगाला जाएगा, जो गाड़ी रॉन्ग साइड में है अगर स्पीड दोनों की ज्यादा है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल, चलिए शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।